नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं अब एक और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये कार्रवाई बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ की गई है, जिसमें विजय मिश्रा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है और उनके विजय टावर को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अल्लापुर में विजय मिश्रा का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विजय टावर है। कॉम्प्लेक्स में ऊपर की दो मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई हैं। अल्लापुर इलाके में पुलिस चौकी के ठीक सामने ये चार मंजिला करोड़ों की इमारत बनी है। बदोही में बाहुबली और दबंग विधायक विजय मिश्रा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और ये कार्रवाई उसी का एक हिस्सा है। विजय मिश्रा के इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट समेत नीचे की दो मंजिले पर 20 से ज्यादा दुकानें और शोरूम थे, जबकि ऊपर की दो मंजिलों पर ऑफिसेज और लॉज चलते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सिर्फ दो मंजिलों का ही नक्शा पास किया था, जबकि ऊपर की दो मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई थी। विजय मिश्रा के परिवार ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी, जिसमें अवैध निर्माण को खुद ही गिराए जाने की बात कही गई थी कोर्ट में, जिसे अब कार्रवाई कर पीडीए ने गिरा दिया है। हालांकि कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाने के लिए विजय मिश्रा के परिवार ने शंभुनाथ गुप्ता के नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया था। कॉम्प्लेक्स की ऊपरी दो मंजिलों को गिराने का ठेका दिया गया था। लगभग चार महीने बीत जाने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया, जिसके बाद अब पीडीए ने इस कार्य को अपनी कार्रवाई के ध्वस्त करते हुए पूरे के पूरी दो मंजिलों को ध्वस्त कर दिया है। आइए आप भी देखिए ये वीडियो और किस तरह से कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो ये कार्रवाई चल रही है, ये सरकार के दिशा निर्देश पर, सरकार के मनसा के अनुरूप जो माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में ये आज की भी कार्रवाई की जा रही है। यह विजय मिश्रा की पत्नी श्रीमती रामलली और उनके और इंद्रकली जी, उनके द्वारा ये भूखंड जो है परचेज करके, खरीद करके इसको नक्शा, आवासीय नक्शा स्वीकृत कराते हुए निर्माण कराया गया है। निर्माण जो है आवासीय नक्शे से विपरीत कमर्शियल के रूप में बनाया गया था, ये मार्केट बना दिया गया था, जिससे आवासीय मानचित्र का कोई औचित्य नहीं रह गया था। इस अवैध निर्माण को गिराए जाने का निर्णय लिया गया है और उसी क्रम में आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विजय मिश्रा के करोड़ों की आशियाने को सरकारी अमले पहले ही 5 नवंबर को जमींदोज कर चुका है और उनके साथ साथ सूबे के कई बाहुबली नेता और बदमाशों के अवैध निर्माणों पर पहले ही बुलडोजर फिर चुका है, जिसमें बाहुबली नेता आजम खान और मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद भी शामिल है और उनके कई गुर्गों का नाम भी इसमें शामिल है, जिनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है। इन सभी कार्रवाई से जनता के समक्ष ये साफ संदेश दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।